हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आज हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता का स्तर क्या है। क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, एक प्रोग्रेसिव प्रगति रिपोर्ट, जिसमें राष्ट्र के स्तर पर भारत में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में आकलन किया गया विभिन्न राज्यों का। हम इस वीडियो में सिर्फ विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति का आकलन करेंगे, क्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में MPI का स्कोर, और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर देखे जाएं तो आपकी स्थिति कैसी है, कितना सुधार हुआ है पिछले वर्षों की तुलना में उत्तर प्रदेश में, इन सभी स्थितियों का आकलन करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी घटनाक्रम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर UPPCS में जिस तरह के GS पेपर 5 और 6 जोड़ा गया है, और उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ पर इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति लगातार आपकी बढ़ी है और बेहतर हुई है। इसलिए यहाँ पर आपको गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर आपको सामग्री और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर लगातार नजर रखनी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक का। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है नीति आयोग के द्वारा, जो विशेष तौर पर इसमें आकलन किया गया है, इसमें कुछ विशेष बिंदुओं पर अगर हम नज़र डालें, सबसे पहली चीज़ जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे दर्शाई है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें यहाँ पर पहले के मुकाबले गरीबी में कमी आई है। इस बात को यहाँ पर इस रिपोर्ट में साफ साफ इंगित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर पहले से कम हुआ है। और जो डेटा बताया गया है कि यहाँ पर देखा जाए 3,42,72,484 लोग जो होते हैं वो MPI से बाहर आ गए हैं। तो एक बड़ी संख्या आप देख सकते हैं MPI स्कोर से बाहर आने की। साथ ही देखा जाए, जो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं तुलनात्मक आंकड़े हैं, यहाँ पर 2015-16 से 2019-20 के मध्य यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है। जो आंकड़े हैं 2015-16 के मुकाबले यहाँ पर देखे जाए 2019-20 के, उसमें आपको दिखा जाए तो 3.43 करोड़ MPI से बाहर आए हैं। साथ ही अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करें तो 2015-16 में जहां 37.68% लोग गरीबी के दायरे में थे, वहीं 19-20 में ये आंकड़ा आपको देखा जाए घट करके 22.93% हो गया। तो ये दो डेटा, एक तो संख्या के आधार पर और एक परसेंटेज के आधार पर, इस डेटा को आपको ध्यान रखना है। मैप भी देख लेते हैं साथ साथ, जो स्थिति आपको दर्शाती है। यहाँ पे देखिए कुछ स्कोर लिखे हुए हैं, जो ग्रीन है यहाँ पर आपको देखा जाए अप टू 0.65 जो स्कोर दिया गया है, ग्रीन स्पेस जितने भी हैं वहां पे आपको सबसे कम MPI कह सकते हैं कि MPI है, अर्थात यहाँ पर मल्टी पॉवर्टी जो इंडेक्स है यहाँ पर आपको बहुत ही कम है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको पश्चिमांचल के एरिया में दिल्ली से सटे हुए कह सकते हैं, दिल्ली NCR से लगे हुए एरिया जो है, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ जैसे एरियाज यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर MPI स्कोर कम है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बीच बीच में आपको एरिया भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर स्कोर थोड़ा सा आपको देखा जाए तो आपको स्थिति बेहतर है। इसके बाद देखा जाए तो 0.66 से 0.102 जो उससे बेहतर स्थिति आपको दिखाते हैं, जो हल्के यहाँ पे ग्रीन कलर के एरियाज हैं, हम उनकी यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद फिर 0.11, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर अभी भी एरियाज जो हैं वो धीरे धीरे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से यहाँ पर बाहर आने की ओर दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति आपको दिखाई देती है कि MPI के आधार पर पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। बहुत कम एरियाज रह गए हैं जहाँ पर आप जैसे कि रेड सर्कल्स को देख सकते हैं और ये ब्लैक सर्कल, जो कि आपको बताता है कि यहाँ पर अभी MPI काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत कम एरिया आपको UP में देखने को मिलेंगे। बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर नीति आयोग ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से भी डेटा को प्रस्तुत किया है, जहाँ पर देखिए नगरीय क्षेत्रों की तुलना में गरीबी ग्रामीण इलाकों में अधिक तेज़ी से कम बताई गई है। जैसे कि डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेटा आप यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का हेड काउंट रेशियो यहाँ पर दिया गया है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज के कंपैरिजन वाइज, इसमें आप देख सकते हैं जो सेम डेटा ये यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे बता दें उत्तर प्रदेश में हेड काउंट रेशियो इंटेंसिटी कितनी है, आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं हेड काउंट रेशियो का, इंटेंसिटी का और MPI का। 2019-20 और 15-16 का कंपेरिजन करते चलते हैं। देखिए, हेड काउंट रेडियो जो था 37.68% है गरीब लोग यहाँ पर, जो कि घट करके रह गए हैं 32.93,
इसी तरीके से इंटेंसिटी जो है एमपीआई की, जो 47.60% थी, अब सिर्फ 44.83% रह गई है। और एमपीआई जो स्कोर था 0.179, जो ऑन एन एवरेज था, वो यहाँ पर 0.103 यहाँ पर आ गया। तो ये स्थिति बेहतर हुई है। इसी तरह से रूरल और अर्बन एरियाज के कंपैरिजन को भी हम देख लेते हैं। रूरल एरियाज को देखें, हेडकाउंट रेशियो जहाँ पर गरिमल्ट एमपीआई जो था 44.29 था 2015-16 में, वहीं पर यह घट के आ गया है 26.35। इसी तरीके से इंटेंसिटी 47.66 से घट के हो गए 44.89। एमपीआई स्कोर भी 0.211 से घट के 0.18 हो गया है, 0.118 हुआ है। अर्बन एरियाज में भी स्थिति ऐसी ही है। यहां पे देखिए, आपको हेडकाउंट रेशियो 17.72% था 2015-16 में, जो घट करके 19-21 में 51.57% हुआ है। इंटेंसिटी 47.14 से घट के 44.36 हुई है। और एमपीआई जो स्कोर था वो भी यहाँ पर देखा जाए तो 0.082 से घट के 0.05% तक यहाँ पे हो गए। तो स्थिति आपको देखा जाए ओवरऑल यहाँ पे बेहतर ही होती ही दिखाई गई है। तो ओवरऑल जो डेटा यहाँ पे कहता है कि 2019-21 में आपको गरीबी की जो संख्या है 26.35 ग्रामीण क्षेत्रों में आपको रह गई है, जो कि यहाँ पर एक बेहतर स्थिति आपको दिखाती है। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में भी यहाँ पे घटकर 11.57% ही एमपीआई आपको शेष बचती है। ठीक है, नीति आयोग के इसके संदर्भ में आन अगर हम प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंकड़े आपको जारी किए गए हैं। एमपीआई में तीन आधार हैं, आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और इन तीनों ही आधारों पर राज्यों की यहाँ पर एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हम यूपीआई का भी आकलन उत्तर प्रदेश का भी आकलन हम कर रहे हैं। जो आंकड़े यहाँ पे आपको प्रस्तुत किए गए हैं उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछड़े जिलों में बहुआयामी गरीबी यहाँ पे अधिक कमी दिखाई गई है। और साथ ही साथ देखा जाए जो इस समयावधि में प्रदेश में बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकलने वाले लोग जो हैं सबसे ज़्यादा वहाँ महाराजगंज से हैं, जहाँ पे 29.64% लोग आपको देखा जाए तो गरीबी से बाहर आए हैं। दूसरे स्थान पे आपका गोंडा और बलरामपुर तीसरे स्थान पर है, जहाँ पर देखा जाए सबसे कम अगर आपको बात करें 3.01% की कमी गौतम बुद्ध नगर में आई है, और इस संदर्भ में लखनऊ में 3.68%। तो यहाँ पर आपको रैंकिंग में ध्यान रखिएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं तो महाराजगंज है पहले स्थान पे, गोंडा दूसरे, बलरामपुर तीसरे पे, और सबसे कम यहाँ पर देखा जाए जो गरीबी से बाहर आए लोग हैं वो आपको गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ से, जहाँ ऑलरेडी देखा जाए एमपीआई काफ़ी कम है। डेटा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे तीन आयाम हैं और उनके अंतर्गत देखे जाएं तो काफ़ी सारे यहाँ पे संकेतक हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया एक आयाम, एजुकेशन हो गया दूसरा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया तीसरा। हेल्थ के अंतर्गत न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टैलिटी है, और मैटरनल हेल्थ आपको आती है। जो डेटा यहाँ पर है रेड सर्कल से, वो हेल्थ ऑफ 2015-16 का डेटा दिखाता है, और जो यहाँ पर आपको दूसरा ग्रीन कलर से है वो हेल्थ 2019-21 का दिखाता है। यहाँ कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो 30.4% जो एमपीआई हेल्थ इश्यूज था वो यहाँ पर 18.45% गिरकर हो गया है। इसी तरीके से आपको चाइल्ड एंड एडोलसेंट यहाँ पर मोर्टैलिटी को देख सकते हैं, 3.81 से यूपी में गिर करके 2.2 हो गया है। मैटरनल जो हेल्थ आपको 25.2 थी वो 15.97% पे आ गई है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को देखें तो यहाँ पर आप 25.05 थी, जो कि 9.21% हो गई है। स्कूल अटेंडेंस को देखें तो 9.96 से गिरकर 7.76, अर्थात हर चीज़ में यहाँ पर एक बेहतर स्थिति होती हुई ज़्यादा। अब स्कूल छोड़ने वाले लोगों की संख्या कमी आई है, स्कूल में अटेंडेंस की जो स्थिति यहाँ पर आपको लगातार कम होती थी वो यहाँ पर आपको ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम देखें लोगों के पास कुकिंग गैस कितने लोगों के पास है, पहले यहाँ पर देखा जाए 34.24% लोगों के पास नहीं थी, अब ये आंकड़ा घट के हो गया है 19.95। इसी तरीके से सैनिटेशन स्वच्छता की स्थिति कहाँ पर कैसी थी, पहले यहाँ पर देखा जाए 31.74% लोगों के पास स्वच्छता की कमी थी, जो आंकड़ा घट के हो गया है 11.91। इसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की जो स्थिति थी 0.29 से घट कर हो गया है 0.93। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 18.34% से घट के हो गया है 4.98। हाउसिंग की बात करें तो 33.35 से घटकर हो गया है 19.56।
संपत्ति की बात करें तो 8.86 से घट के हुआ है 4.02, और बैंकिंग खातों की बात करें तो 3.33 जो प्रतिशत लोगों के पास खाते नहीं हुआ करते थे, अब ऐसे प्रतिशत लोगों के पास सिर्फ 1.06 प्रतिशत लोगों के पास ऐसे ही बैंक अकाउंट नहीं है। तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट आपको हर एक क्षेत्र में MPI के आधार पर देखने को मिली है। एट द लास्ट भारत यूपी में गरीबी की स्थिति का आकलन भी हम स्टेट वाइज यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड देखा जाए तो गरीबी सबसे कम कहां पर दर्ज किया था, देखा जाए सबसे ज्यादा गरीबी से बाहर निकलने वाले जिले कौन से हैं, तो यहां पर देखिए गरीबी में कमी वाले 10 जिले, तो यहां पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट महाराजगंज में हुई है जहां पे 29.64% लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो पहली रैंक यहां पर है। सेकंड पे गोंडा है जहां पे 29.55 है। बलरामपुर की तीसरी रैंकिंग है 27.90 है। कौशाम्बी चौथे स्थान पर है 25.75 है। खीरी पांचवें स्थान पे जहां 25.33 है। इसके अलावा श्रावस्ती है छठे नंबर पे, जौनपुर, बस्ती, गाजीपुर, कुशीनगर और चित्रकूट। बेसिकली आपको पूछा भी जाएगा तो टॉप 5 टॉप 3 ही पूछे जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस इनका स्कोर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्हीं को हम डेटा वाइज, आपको एक मैप भी यहाँ पर डाला गया था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडकाउंट रेशियो परसेंटेज वाइज। उसमें हम रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बहराइच में देखा जाए ओवरऑल जो गरीबी के प्रतिशत हैं, सिर्फ एक राज्य, एक ही डिस्ट्रिक्ट आपका यूपी में ऐसा है जहाँ अभी भी 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पर MPI के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 54.44% लोग यहाँ पर गरीबी के स्तर पर हैं, एकमात्र जिला है। दूसरे स्तर पर देखा जाए श्रावस्ती है जहाँ पे 49.62 है। तीसरे नंबर पे बलरामपुर है 41.55, फिर बदायूं है 40.37 और सीतापुर यहाँ पर 40.15। तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईजिप्ट, सबसे ज़्यादा MPI के आधार पर गरीब यहाँ पर जो हैं, निर्धन लोग जो हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, जिले में है यूपी में, तो टॉप 5 ध्यान रखिएगा। पहला है बहराइच जो एकमात्र जिला है जहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग MPI के आधार पर गरीब हैं। कितना स्कोर है, 54.64। ठीक है, दूसरा कौन सा है यहां पर आपका श्रावस्ती है, तीसरा आपका बलरामपुर है, चौथा यहां पे बदायूं है और पांचवा यहां पे सीतापुर है। तो यहां पे बस आपको ये 5 स्टेट आपको ध्यान रखने, ठीक है, बाकी यहाँ पर पूरी लिस्ट है, रैंकिंग है, वो आप देख सकते हैं देखने के संदर्भ में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बाकी हमने यहाँ पर बता ही दिया है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं उनमें महाराजगंज पहले पे है, गोंडा दूसरे पे, बलरामपुर तीसरे, कौशाम्बी चौथे और खीरी यहाँ पे 5वें आधार पर। तो आज का हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष के कार्यक्रम में इतना ही। इस संदर्भ में यहाँ पर सभी टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर यूपी विशेष जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। गुड लक।